हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डी बायोलॉजी माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं टेंथ बायोलॉजी का फिफ्थ चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफरिंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू वन राइट तो हम भी खुद का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं मतलब जैसे कि अभी मैं यहाँ आई हूँ स्टूडियो में टू रिकॉर्ड द वीडियो फ्रॉम माई हाउस राइट right? मतलब मैंने खुद का ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम माई हाउस टू द स्टूडियो करेक्ट आप लोग क्लासेस जाते हो या घूमने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो मतलब आप खुद का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो कैसे करते हो ट्रांसपोर्टेशन और क्या जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन की क्या हमें इतनी जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने की और क्या सिर्फ हम ही जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह या और कोई और चीजें हैं जो जाती है तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ये सिर्फ ह्यूमन बींग का नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन ये मॉलिक्यूल्स का भी होता है ट्रांसपोर्टेशन ये पार्टिकल्स का भी होता है ट्रांसपोर्टेशन ये मटेरियल का होता है अब अगर देखोगे तो रोड्स अगर नहीं है तो ऐसा कहा जाता है कि कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी क्यों क्योंकि एक विलेज दूसरे विलेज से एक जगह दूसरी जगह से कनेक्टेड नहीं रहेगी तो क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा मतलब चीज़ें इधर से उधर जाएगी नहीं और काम जो है वो इफेक्टिवली होगा नहीं बट ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम हेलीकॉप्टर एरोप्लेन रॉकेट बस कार ट्रक बाइसिकल मोटरसाइकिल ट्रेन नहीं कुछ मिला तो अपने खुद के पैर इसके थ्रू हम ट्रैवल करते एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं राइट right? क्या ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर भी होता है क्या हमारे बॉडी के अंदर के पार्टिकल इधर से उधर जाते हैं और जाते हैं तो क्यों जाते हैं क्या नेसेसिटी है क्या बैक्टीरिया भी ट्रांसपोर्टेशन शो करता है एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या सब लोग ट्रांसपोर्टेशन शो करते हैं यस ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन क्यों भाई क्यों ट्रांसपोर्टेशन ये लाइफ प्रोसेस है सो वेरी फर्स्ट रीजन हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था न्यूट्रिशन के बारे में उसके बाद में हमने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में राइट right? न्यूट्रिशन में हमने फूड कंज्यूम करके न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए बट उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर मल्टीपल सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स के पास में वो भेजा कैसा जाएगा उसके लिए कोई ज़रिया तो चाहिए न्यूट्रियट्स को भेजने के लिए ऑक्सीजन जो हमने रेस्पिरेशन में लिया उसको भेजने के लिए जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है फ्रॉम वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बॉडी के बाहर निकालने के लिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है सो ईच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरिया टू द जॉइंट वेल ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म शोज द ट्रांसपोर्टेशन इन अ सर्टन मैनर हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है ट्रांसपोर्टेशन करवाने का किस चीज का वो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते न्यूट्रिएंट्स का 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 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल केमिकल जो भी उनके बॉडी में चल रहा है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है राइट सो बैक्टीरिया कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बैक्टीरिया सिंपली अपने सेल मेम्ब्रेन से इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं चाहे फिर वो फूड पार्टिकल्स हो वाटर पार्टिकल्स हो वेस्ट मटेरियल हो या गैसेस हो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के तहत बैक्टीरिया सिंपली क्या करेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करेंगे अब यहाँ पे होता क्या है बींग अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनको एक सेल से दूसरे सेल के पास कुछ भेजना है नहीं इसलिए जो कुछ भी उनको मिल रहा है उनको इन्वायरमेंट से लेना और जो कुछ भी उनको देना है डायरेक्टली उनके एनवायरमेंट में देना बट ये केस होती नहीं है विद द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और ह्यूमन जैसे हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास होता है क्या वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल ट्रिलियंस ऑफ सेल से हम बने हुए हर सेल तो ग्लूकोज बनाएगी नहीं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा नहीं वो कहाँ होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है फूड सारी बॉडी खाती नहीं है फूड ख... खाया जाता है फूड डाइजेस्ट किया जाता है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम ऑक्सीजन लिया जाता है बाय दी रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर एक्सक्रीशन किया जाता है बाय दी किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम बट पूरे बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिय चाहिए पूरे बॉडी के सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके थ्रू वो वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन कर रहे हैं बराबर तो इन चीज़ों को अपनी सही जगह पर पहुंचाना और जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना इसलिए ट्रांसपोर्टेशन मैनेडेटरी हो जाता है एंड ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम काम करती है जिसे कहा जाता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या है हमारे बॉडी में व्हीकल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ब्लड ब्लड के थ्रू क्योंकि ब्लड ही ये हमारे बॉडी का ऐसा एक कंपोनेंट है ऐसा एक फ्लूइड है जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है और पूरे बॉडी में हर एक जर्रे में हर एक किनारे में जाके पहुंचता है और हर सेल के साथ वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट करता है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता ये डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं आता ये हम देखेंगे बट अभी समझ कर लो कि ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलता भी और वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके प्रॉपर जगह पर भेजा जाता है टू डिस्पोज इट ऑफ फ्रॉम द बॉडी राइट अब पूरे ब्लड को बॉडी में फैलाना है इसलिए सर्क्यूलेट करना है इसलिए काम किया जाता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम से किससे काम किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से ये तो ह्यूमन की बात हो गई और सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम सीखेंगे आप डिटेल में कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली होता कैसे बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है यस yes. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन तो होना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि वो न्यूट्रिय सक करती है फ्रॉम द रूट और देती है कहाँ पे टूवर्ड्स द लीफ वाटर सब करती है फ्रॉम रूट्स सॉइल्स राइट right? सॉइल में से वाया रूट वोर वाटर लेगी मिनरल्स लेंगी न्यूट्रिएंट्स लेंगी और उसे भेजा जाता है टूवर्ड्स द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर दी प्लांट्स ऑल्सो तो चाहे बैक्टीरिया हो प्रोटोजुआन हो प्रोटिस्टा हो फंगाई हो किंगडम प्लांट के हो या किंगडम एनिमल के ऑर्गेनिज्म हो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म शोज़ द मेथड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन शोज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही मटेरियल को मल्टीपल साइट पर भेजा जा सकता है कलेक्ट किया जा सकता है और हमारे बॉडी का वर्क हारमोनी में वर्क कर सकता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर सकता है तो आई रियली होप कि आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा राइट इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम समझ के लेने वाले कि ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सर्क्युलेटरी सिस्टम काम कैसे करती है बींग सिस्टम उसमें ऑर्गन कौन कौन से है राइट एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स राइट सो दिस इज अ बेसिक शॉर्ट वीडियो फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन इसे समझ कर लोगे तो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन समझने में आसानी हो जाएगी ओके बाय बाय अट